देखो हम आपको चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हैं बाबू मोनू भला, एसिड बेस और साल्ट पढ़ा रहे हैं। तो एसिड क्या होता है सर उसके बारे में बता दिए, बेस क्या होता है सर उसके बारे में बता दिए, अब दोनों एसिड बेस को मिला देना है। एसिड पढ़ा है ना सर, एक कटोरा में एसिड लो, एक कटोरा में क्या लो भला मेरा, बेस लो, है ना, और दोनों को क्या करो मिक्स कर दो। तो मिक्स करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा भोला उसी को क्या कहोगे, साल्ट कहोगे, उसी को क्या कहोगे, साल्ट कहोगे, है ना। तो हमारा कैसे पता चलेगा सर साल्ट बना के नहीं बना। देखो साल्ट होता क्या चीज है, एक वो कटोरा में एक वो बीकर में एसिड लो, दूसरे में बेस लो, दोनों को मिला दो। तो मिक्स करने के बाद बाबू दोनों का अगर प्रोपोर्शन सेम अमाउंट में है, दोनों का कंसंट्रेशन वगैरह सेम है, तो उस केस में जो कंपाउंड बनेगा वो साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है इंग्लिश में, साल्ट सर सब ट्रांसफॉर्म बाबू भेन एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड और बेस। तो एसिड के बारे में पढ़ा है ना जी, हाँ सर, बेस के बारे में पढ़ा है ना जी, हाँ सर, अब दोनों को मिला देंगे सर, है ना, किसी बीकर वगैरह में, है ना, किसी बीकर वगैरह में, मान लो इस तरह से ग्लास ले लो, है ना बाबू, बोरोसिलिकेट का, इसमें मिक्स कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, है ना। ठीक वही यहाँ लिखा हुआ, एसिड प्लस बेस क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, है ना। तो साल्ट बाबू सिर्फ साल्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साल्ट होता है ना, एगो तो हम लोग बाबू खाने वाला साल्ट जो यूज करते हैं देश का नमक टाटा साल्ट, है ना, तो वो भी एक साल्ट है, और भी बहुत सारे साल्ट के वेरायटी होते हैं, बहुत सारे साल्ट के टाइप होते हैं। तो थोड़ा सा 10th में जाओगे ना तो यही चैप्टर पढ़ना, 10th के बुक में देखोगे तो वहाँ भी एसिड बेस साल्ट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा लेवल क्या रहेगा, स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रहेगा, है ना, वहाँ पे इक्वेशन वगैरह रहेंगे, है ना। ठीक तो वही लिखल है, एसिड और बेस मिलाओगे तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस हीट वगैरह, हीट एनर्जी वगैरह थोड़ा सा निकलेगा, है ना। ठीक सर, यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। ठीक बोल, तो इसीलिए एसिड बेस जो रिएक्शन होता है ना इसको याद रखना, इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब क्या बाबू, एसिड में भोला लिटमस पेपर डालोगे, है ना, आपको वो बताया था ना, एसिड में बाबू लिटमस पेपर डाल दो तो रेड वाला ब्लू वाला क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। एसिड में हमेशा याद रखना बाबू, उस समय भी आपको लिटमस पेपर सारा करके बताया है ना, एसिड में भोला मेरा काव्या शैतान, अगर रेड लिटमस पेपर डालते हो, ब्लू वाला एसिड में क्या होगा, ब्लू वाला लिटमस पेपर डालते हो तो क्या बन जाएगा, रेड बन हो जाएगा, जाएगा रेड हो जाएगा। याद रखना, क्यों सर, क्योंकि एसिड भी खतरनाक होता है, लाल रंग भी खतरा वाला डेंजर वाला होता है ना, इस तरह से याद रख सकते हो। तो लिटमस पेपर अगर रेड कलर बन रहा है तो सबस्टांस एसिड होगा, और लिटमस पेपर बाबू अगर बाबू रेड वाला ब्लू बन रहा है तो वह बेस होगा। ठीक, लेकिन न्यूट्रल में डालोगे ना, पानी में डालो लिटमस पेपर, तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू वाला ब्लूए रह जाएगा, लाल वाला लाल रह जाएगा, है ना। तो जिसमें बाबू कलर चेंज नहीं ना होगा वैसे सबस्टांस को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है, शांति से समझते चलना, है ना। तो यही होता है और कुछ नहीं होता, है ना। ठीक, तो एसिड प्लस बेस मिलकर मेरा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है ना बाबू, आई ये जो रिएक्शन होता है इसको कौन सा नाम देते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को क्या डिफाइन करो, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस मिल के जो रिएक्शन बनाएगा वो कौन रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, है ना। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आती है ना। नेक्स्ट, अब सर साल्ट बनाएंगे कैसे, तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको टेबल साल्ट, टेबल साल्ट मतलब बाबू है ना जो हम लोग साल्ट यूज करते हैं, अरे मैं वहां जाता हूँ बाबू रेस्टोरेंट वगैरह में जाता था, टेबल पे नहीं वो साल्ट रखा जाता है भाई ना, तो वही आपका टेबल साल्ट हो, या हम लोग जो साल्ट खाते हैं ना उसी को क्या कहा जाता है, टेबल साल्ट कहा जाता है। तो टेबल साल्ट बाबू जनरली बनाते कैसे भोला, तो ये बाबू बनाने का इफिशियंट मेथड नहीं, ये लेबोरेटरी में इसी तरह से बनाएंगे। मान लो साइंस वगैरह में टेबल साल्ट बना रहेगा, है ना, साइंस लैब में, तो इस तरह से एक्चुअली जो हम लोग साल्ट खाते हैं ना बाबू कहाँ बनता है, नमक के पानी से, है ना, नमक के पानी से, है ना, एक समुंदर हो जाए, बोलो कहीं ओशन वगैरह है, सी वगैरह है, तो उसके किनारे छोटे छोटे फील्ड्स कलर बना लिए जाते हैं, है ना, और वहां पे वाटर को बराबर स्टोर किया जाता है, अब वाटर को वेपराइज कर दिया जाता है, तो बचता है जो मेरा साल्ट होता है ना, तो वो वाला साल्ट हम लोग यूज करते हैं, ये वाला साइंस वाला साल्ट हम लोग नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये कॉस्टली होगा और ज्यादा इफिशियंट भी नहीं होगा ना। लेकिन मान लो बाबू अगर साइंस लैब में बाबू आपको साल्ट बनाना है, तनो वीडियो ऑन करो जी, तो कैसे बनाओगे, तो NaOH ले लेना, क्या लीजिएगा, NaOH लीजिएगा, NaOH को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक याद रखना, सोडियम OH हाइड्रोक्साइड है ना, प्लस HCl है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो आप साल्ट का फॉर्मूला याद रखना, हम लोग जो साल्ट यूज करते हैं NaCl होता है, याद रखिएगा, हम लोग जो नमक खाते हैं ना उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, याद रखिएगा।
जैसे आपसे कोई पूछेगा वाटर, तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ना बाबू? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2 देखो, होता है। क्या होता है? H2, याद रखना। तो उसी प्रकार बाबू हम लोग जो साल्ट यूज करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है, याद रखिएगा। कौन सा सीएल होता है? NaCl होता है ना, याद रखिएगा ना। NaCl होता है जो साल्ट हम लोग खाते हैं ना, डेली खाते हैं ना। तो यही जो साल्ट है उसका केमिकल नेम क्या सर? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड है, यही मेरा क्या है? साल्ट है। यही मेरा क्या है? साल्ट है ना, साल्ट है। ठीक, तो देखो बोला आपका बाबू जो एसिड बेस रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। देखो कैसे, शांति से समझो। जैसे भोला हमने क्या किया बाबू मेरे, है ना, एक मान लो ये बीकर ले लिया। क्या ले लिया बाबू मेरे, है ना, एक बीकर लिया। शांति से समझना, है ना। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होता है। ठीक, ये बीकर हो गया भोला, इसमें वाटर डालो। क्या डालो? वाटर डालो, है ना, वाटर डालेंगे। ठीक है सर, डालिए सर। या इसमें बाबू आप बेसिड एसिड डालना, एसिड डालो, बेस डालना, बेस डालो। दिख रहा जी? कोई भी डाल सकते हैं क्या बोला? सर, एसिड वेट में, एसिड बेस में कौन सा भी एसिड डाल सकते हैं, कौन सा बेस भी डाल सकते हैं। हाँ भोला, वो उसका फिर हर एक एसिड का अपना अपना क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। हर एक एसिड का भोला अपना अपना क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा, है ना। तो सर उसके ये क्या अनुसार बाबू, है डाले ना, सर, सबसे अभी कुछ नहीं। ठीक, ज्यादा तो देखो इसमें हम लोग बाबू क्या डाल रहे हैं? बेस पहले डाल देते हैं ना, हला नहीं, है ना। ये मेरा क्या भोला? खतरनाक बेस, हला नहीं। कौन आपको हम क्या सा पढ़ा बता रहे बाबू? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बता रहे हैं, ठीक है ना। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो समझो। तो ये आपका क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, लिखल है जी, NOH है। क्या लिखल है? सोडियम सर? हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, है ना बाबू, NOH लिखल है। ठीक, तो ये आपका बेस है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? बेस हो गया। क्या हल्ला करा जी? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड रुद्र भगा देंगे आपको, ज्यादा हल्ला कर रहे हो। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया आपका? बेस हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है ना, तो बेस को भोला हम लोग इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा, है ना। ठीक, हल्ला नहीं, इसमें थोड़ा सा बेस डाल रहे हैं। ठीक सर, हो गया सर, बेस हो गया, है ना। अच्छी बात है, शांति से समझना। अब बाबू अभी ये क्या है? बेसिक है, इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह डाल दो ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे भोला, है ना। वाटर डाल देते हैं। सर लगता है फ्रिज का पानी एकदम ठंडा है। नहीं, ठंडा नहीं है। ठीक है, तो ये अभी इसमें बेस डाला हुआ। वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तनु बाबू हैंड डाउन करो जी, पढ़ना लिखना है नहीं सर। ठीक, हाँ सर, यहाँ तक ठीक है कहानी? और नजदीक कर दे बाबू। 9 तो चलेगा, इतना काफी है सर। चलो ठीक है, हो गया। मुझे और नहीं दिख रहा है सर, थोड़ा नीचे कर दो। ठीक, तो ये अच्छा, ठीक है, थोड़ा दूर कर देते, हो गया। ठीक बोला, नहीं दिख रहा जी, अब दिख रहा है पूरा भला? हाँ क्लियर आ रहा है चलो ठीक है। हाँ सर, पूरे क्लियर है। बेस में बोला, सॉल्ट है सर, ये बेस अभी डाला, अभी इसमें क्या डाला? बेस डाला, अभी साल्ट अभी नहीं बना, ठीक है ना। अभी इसमें हमने क्या डाला? बेस डाला है, पानी है, बेस है। ठीक, अब बाबू ये आपका बाबू देखो सोल्यूशन कैसा हो गया? बेस बाबू रिएक्शन करके थोड़ा सा आपका बाबू ये हो रहा है ना। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या डालते हैं? अभी बेसिक नेचर है तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इंडिकेटर डालते हैं, फिनोफ्थलीन डालते हैं, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। अभी बेसिक नेचर है ना बोला, तो ये फिनोफ्थलीन डालोगे। आपने देखो इंडिकेटर क्यों डाला है फिर से बताइए तो। हाँ कैसा कलर हो गया? पिंक हो गया, सर, पिंक पिंक हो गया सर, हो गया। ऊपर तो ऊपर ही अभी क्यों है सही सर, नीचे क्यों नहीं हो रहा? नीचे भी होगा, उसको स्टर करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा स्टर करोगे तो तो नीचे भी कीजिए ना हो सर, जाएगा, कीजिए है ना। ये सर, थोड़ा सा स्टर कर, है ना। तो ये आपका, तो ये अभी रोज आपका कैसा? हल्ला नहीं, पिंक हो। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, शांति समझना, है ना। तो ये आपका जो सोल्यूशन बोला बोलो, ये अभी बेसिक सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें हमने पर्पल क्या नहीं डाला? होगा बेस, हल्ला नहीं, इसमें हमने क्या डाला? बेस डाला। क्या डाला? बेस डाला, इसलिए सोल्यूशन कैसा है? बेसिक सोल्यूशन है। अगर बात सर समझ हमने में इसमें आता है लिटमस पेपर डाल दिया तो है ना? नहीं बेस में लिटमस पेपर डाल के आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, हल्ला नहीं। सर, बेस में लिटमस, इंडिकेटर ठीक, प्लस बेस में लिटमस पेपर डाल दिया।
ऑलरेडी बाबू हमने आपको बेस में बाबू डाल के सर वो बता ये चुके बोल हैं, रही है ठीक है कि ना? इंडिकेटर और बेस जब मिला हुआ होगा ऐसे तब उसमें लिटमस पेपर डालेंगे तब क्या होगा, तब पूछ रही है। कुछ भोला वही होगा, इंडिकेटर सिर्फ आपको कलर इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, कलर इंडिकेट करने का काम करता है, ठीक है ना? इसमें आप लिटमस पेपर डालोगे तो बाबू ये बेसिक नेचर है ना जी, तो बेसिक है बाबू, तो आप वाला ब्लू वाला या रेड वाला क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, रेड वाला क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, हम व्हाइट पेज खोज रहे हैं बाबू ताकि आपको क्लियर लहसुन दिखाई प्याज दे, है ना? एक आगो व्हाइट पेज ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, ऐसे क्लियर दिखाई पेज नहीं दे पर रहा, सर क्लियर ही दिख रहा है, यस सब सर दिख दिख रहा रहा है है क्लियर सर, जरूरत चलो नहीं। ठीक है, इधर से आपको क्लियर दिखाई देगा, चलो सर ठीक वो कौन बना है है मैम, बच्ची है ना बोला, अब क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ चलो अब कुछ कुछ क्लियर है। हाँ सर पूरा क्लियर है। हालांकि अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, तो देखना ये धीरे धीरे कलर क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा, अभी आपका पर्पल या पिंक है ना बोला, अभी इसमें एसिड डालो, क्या डालो, एसिड डालेंगे तो ये कलर ये देखना तो वो मैजिक हल्दी होके क्या जैसा हो होगा। रहा अच्छा ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, शांति से समझना, इसमें हम लोग है एसिड, ये देखो हल्दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाला नहीं, ये आपका क्या बाबू, हाइड्रोक्लोरिक, जैसा होता हाइड्रोक्लोरिक एसिड है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो है सर। यस काय पागल जैसा कर रही तनु, ये आपका क्या, सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक। अब अभी ये सोल्यूशन मेरा कैसा है सर, बेसिक सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है भोला कौन सा सोल्यूशन है, बेस है इसमें मिला हुआ, ठीक। अब जैसे इसमें एसिड डालोगे भोला मेरा, तो ये जो आपको पर्पल कलर बाबू धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर कि एसिड बेस बाबू रिएक्शन करके न्यूट्रल हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, एसिड, अभी इस गिलास में मेरा बेस डाला हुआ, ऊपर से इसमें क्या मिलाएंगे, एसिड मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, एसिड मिलाएंगे, शांति से हल्ला नहीं करना, ये आपका एसिड है, देखो लिखल है ना भोला मेरा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है ना, ठीक, HCl है। अब इसमें डालो भोला मेरा बाबू, देखो ये कलर देखना है ना, ये अपने आप डिसअपेयर हो जाएगा, अभी पिंक है ना जी, देखो डिसअपेयर हो जाएगा, अंतर मंतर काले कलंतर है ना बाबू, ये क्या होगा है ना, ये डिसअपेयर हो जाएगा, नहीं देखते रहिए हो रहा देखते रहिए सर, ना, देखते रहो हो देखते रहो देखते रहो रहा है हो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, रहा है आपने क्या, जंतर मंतर हो थोड़ा गया सर, थोड़ा सा इसको थोड़ा हिलाओगे ना, थोड़ा सा हो रहा हल नहीं, थोड़ा सा स्टर कर दोगे तो ये कलर आपका क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा है ना, पिंक कलर क्या होगा, डिसअपेयर हो सर, जाएगा है तो ना, कीजिए ना, ठीक। कीजिए आए रुको, कीजिए ठीक हमने, ये देखो सर क्या देखो, है, क्या ध्यान, वो अपने से, आप लोग देखते रहना, आप लोग देखते रहना, वो अपने से डिसअपीयर हो जाएगा धीरे धीरे, देखते रहना, कोई जादू मंत्र नहीं बाबू सर, हर एक के पीछे क्या है, साइंस है, हो रहा है जी नीचे से जी, धीरे धीरे जी, यस सर देखो एकदम नीचे क्लियर हो गया सर, थोड़ा हो गया ना भोला, अब थोड़ा सा सा इसको यस सर पूरा ऊपर आ गया। वो भी हो जाएगा, हे मनु सैतान वीडियो ऑन करो जी, अब इसको थोड़ा सा स्टर कर लो, देखो प्योर क्लीन हो जाएगा, थोड़ा सा स्टर करोगे ना बाबू, ऐसे तो ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको स्टर करो है ना, मैंने मिलाओ, दवा कैसे खाते हो, अंतर मंतर काली जलंतर है ना बाबू, देखो बाबू जादू हो गया ना, ये है क्या ना बोला, था, प्योर व्हाइट हो गया, ये तो अंडा था, वापस सर हल्ला वापस नहीं, नहीं हल्ला किया था, वापस नहीं, हल्ला नहीं, तो ये वापस आखिर वापस ये शांति समझो, ये आखिर हुआ क्यों सर, क्योंकि पहले इसमें हमने बेस मिलाया था, इंडिकेटर मिला, उसके बाद जैसी एसिड मिला दिया बाबू, तो एसिड बेस रिएक्शन करके क्या दिया, न्यूट्रल दे दिया, तो न्यूट्रल दे दिया भोला, तो इसीलिए कलर आपका कैसा हो गया, पहले जैसा कलर था वही आ गया, क्या हो गया, यही आ गया, फिर से इसमें कलर लाना, ऐसा कर, हल्ला नहीं, वापस वापस अगर वही कलर लाना बाबू, तो इसमें बेस की मात्रा आपको क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, अगर इसमें बेस की मात्रा बढ़ा दोगे तो पुनः ये कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा है ना, एसिड का कल बढ़ाइए, एसिड का बढ़ाइए सर, एसिड का बढ़ाइए अरे पागल सा बिहेवियर काय कर रहा, एसिड का बढ़ाओगे कलर वही रहेगा, अगर इसमें बाबू अगर बढ़ाना है तो इसमें बेस की मात्रा आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा ना, है ना भोला, देखो इसमें पुनः आप बेस मिला, अरे शैतान एगो बेस भोला बाबू है ना 250 रुपया में देता है, आप लोग ऐसे खत्म करवा दोगे, ठीक, मजा अगर इसमें पिंक आ मिलाना भोला, रहा देखो इसमें बेस की मात्रा बढ़ाओ थोड़ा थोड़ा,
देखो बेस बढ़ा रहे हो तो पिंक कलर हो रहा है ना जी, जितना बेस बढ़ा दो उतना ये क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, है ना। एसिड डाल दो तो फिर वापस व्हाइट हो जाएगा। अब फिर एसिड डालोगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर एसिड डालोगे ऊपर आ जाएगा, तो क्योंकि एसिड हमने ज्यादा वेट डाल किस दिया था, चीज का ठीक कर रहे कर डाल है ना। दीजिए एसिड हम हला नहीं, करके हला नहीं जी, तो यही क्या होता है आपके बाबू, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही होता है। एसिड और बेस मिलकर आपका क्या बनेगा, न्यूट्रल बनता है, क्या बनता है, न्यूट्रल बन जाता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे ना, नमक का क्या है हुआ? ना। ठीक, इसमें पुनः बाबू इसको मिक्स, देखो इसको मिक्स वगैरह करोगे ना भोला, है ना, तो देखो आपका गायब हो जाएगा, देखो ट्रांसपेरेंट हो गया, है ना, मैजिक हो गया। ठीक, तो यही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डाला ही नहीं है वापस से तो फिर से सर क्यों? पर बेस की मात्रा तो ज्यादा थी, फिर गायब क्यों हुआ? ये वही तो सर। अरे सहिता, एसिड इसमें हमने ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया था, इसीलिए बेस मेरा कमजोर है। एसिड बेस मिलेगा ना तो साल्ट तभी बनेगा जब दोनों सेमान रहेगा, तो मेरा वाला बेस थोड़ा सा कमजोर है, एसिड ज्यादा एसिडिक है, इसीलिए आपका बाबू ये सोल्यूशन ऐसा, फिर इसमें बेस मिलाओगे फिर आपका पिंक होगा, ठीक है ना। तभी ये कैसा सोल्यूशन है, न्यूट्रल हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, है ना, ये आपका साल्ट फिर बन गया, क्या बन गया, साल्ट। से बेस अच्छा ठीक है, अब मिला दो हला नहीं, हला नहीं, सर। हला नहीं जी। अब इससे बाबू मान लो आपको नमक तैयार करना है, तो इसको क्या करो आपको बाबू, हीट करो इसको, टोटल के टोटल हीट करके वेपराइज करो, और लास्ट में बाबू जो आपको बच जाएगा थोड़ा बहुत सबस्टांस, वही क्या होगा, साल्ट होगा, वही क्या होगा, साल्ट होगा, उसका वीडियो दिखा देंगे। इतना समझ में आ गया ना, एसिड बेस। अब साल्ट कैसे बनाओगे, इसको हीट कर दोगे, क्या उधर गप करी तनु, है ना, इसको हीट कर दो बाबू तो लास्ट में कटोरी में थोड़ा सा बहुत ये बच जाएंगे, है ना, व्हाइट प्रिसिपिटेट टाइप का बनना है, उसी को क्या कहोगे, साल्ट कहोगे, तो उसका वीडियो आपको दिखा देंगे, समझ में आ जाएगा। इसके बाद की कहानी, इसमें हीटिंग करना, तो हीटिंग करने के लिए बोला अभी बाबू थोड़ा भी आ रहे हो सा, क्या आप सर? तो फिर गैस में कर लो अपना, किचन में कर एक चीज दिखा दीजिएगा लो। उसको हीट करके। अभी दिखा रहे हो क्या दिखा सर? अगर हम लोग बेस देंगे। की जगह एसिड में अच्छा इंसुलेटर डालते तब फिर क्या होता? कौन सा कलर? ठीक, अल्लाह ने जी, तो सर वो यही नमक आपका क्या बोला, मिक्स है। सर एसिड में अगर इंसुलेटर डालते तो कौन सा कलर था? एसिड बाबू आगे आपको पढ़ाएंगे, डिफरेंट टाइप के सर इंडिकेटर होते हैं, नमक जो फेनोफ्थलिन इंडिकेटर है भोला, एसिड में डालने से कलर चेंज नहीं होता, उसके लिए मिथाइल ऑरेंज वगैरह लाएंगे आपको, टेंशन मत लो, सारा करके दिखाएंगे। ठीक, तो आगे बाबू क्या, बाबू प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट है, ये समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट क्या था बाबू, अल्लाह नहीं, मन से प्रणाम मनो, प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट क्या है बाबू, तो साल्ट मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ना। जैसे भोला आप लोग बाबू वाटर हीटर लेते हो ना जी, तब वाटर हीटर से क्या करते हो, पानी गर्म करते हो, वाटर हीटर देखो ना वो तो पानी गर्म करते हो, तो अगर आपका बहुत बढ़िया वाला वाटर हीटर है तो पानी टच करोगे तो करंट नहीं मारेगा, और बाबू अगर उसमें नमक डाल दो चाहे सरफ का डाल के अथी टच करो, तो आपको क्या होगा, करंट मारेगा, क्या मारेगा, करंट मारेगा। मतलब क्या भोला, जो भी बाबू आपका बाबू है ना साल्ट युक्त होता है, साल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, क्या होता है, आसानी से बाबू इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है साल्ट, है ना। साल्ट, साल्ट का सोल्यूशन बनाओ, उसमें करंट फ्लो करो, है ना, वो तो आपको छुओगे ना पानी, तो आपको करंट मारो, नागिन का शुरू हो जाएगा, है ना। ठीक, ऐसा वीडियो ऑन करो जी, सराज बाबू, सर डिजिटल वाटर के अंदर सर मैंने रिमोट कंट्रोल कर डाला तो सर वो सर खराब नहीं हुआ, लेकिन सर जब उसके अंदर नमक मिला के डालेंगे तो सर वो खराब हो जाएगा ना? हाँ भोला। नेक्स्ट आओ, मोस्ट साल्ट है बाबू सॉल्वल इन्वर्टर, मैक्सिमम जो भी साल्ट है बाबू पानी में घुलनशील होते, अगर नहीं घुलनशील होते बाबू तो आपका मम्मी सब्जी में जो साल्ट डालते भोला, मान लो घुलनशील नहीं होता, सॉल्वल, सॉल्वल मीन्स क्या होता, उसमें मिक्स हो जाना, घुल जाना, अगर नहीं घुलता बाबू तो सब्जी का टेस्ट ही नहीं होता, तो जितने भी मैक्सिमम लगभग साल्ट होते हैं वो क्या होता है, वाटर सॉल्वल होते हैं। अगला प्रॉपर्टी क्या करो, साल्ट कैन बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर, इसको समझना है, साल्ट आपका एसिड नेचर का भी हो सकता है, साल्ट आपका बेसिक नेचर पे भी हो सकता है, कैसे सर, शांति से समझो, है ना। मान लो बाबू इसमें एसिड मिलाया और बेस मिलाया, तो मान लो इसमें सर स्ट्रॉन्ग वाला एसिड मिला दिया, शांति समझो जी, इसमें तो एसिड बेस मिला दोगे तो आपका साल्ट बनेगा, है ना, लेकिन एसिड की मात्रा ज्यादा कर दोगे आप, बेस की मात्रा कम करोगे तो साल्ट बनेगा, लेकिन एसिड ज्यादा रहेगा ना, तो इसको कैसा साल्ट कहोगे, एसिडिक साल्ट कहोगे। अरे बाबू मान लो इसमें एसिड बेस मिला रहे, अब एसिड हमने इसमें एक लोटा एसिड मिला दो, एक कटोरा, अब बेस मिला एक चम्मच, तो एसिड ज्यादा मिला दिया तो एसिड बेस रिएक्शन करके तो साल्ट बनेगा, लेकिन एसिड क्या है, ज्यादा है ना जी,
तो वैसे साल्ट को हम लोग कहेंगे एसिड वाला साल्ट, मतलब कौन सा कहेंगे, एसिडिक साल्ट कहेंगे। अब बेसिक भला है ना, जैसे मान लो अब इसमें है ना एसिड एक चम्मच मिला और बेस एक लोटा मिला दो, लोटा समझते हो जी, एक जेब खा एक लोटा का मतलब क्या लिया होगा। जी। हाँ सर समझता हूँ। हाँ, एक यूटेंसिल्स है ना, पहले बाबू भिले समय है ना बहुत चलते ये सब है ना, राउंड बटन है ना, राउंड टाइप का बाबू है ना, एक वो यूटेंसिल्स होता है जिसको हम ना पानी वगैरह यूज करने के लिए यूज करते हैं ना। चलो छोड़ो लोटा नहीं समझोगे है ना, हम लोग बाबू एक गिलास इसमें मान लो बेस मिला दो और एक चम्मच एसिड मिलाओ, तो बेस ज्यादा मिलाओ ना, तो ज्यादा मिलाओगे तो ये जो साल्ट बनेगा कैसा साल्ट बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा। मतलब जिसका ज्यादा नेचर रहेगा उसी 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 का उसी नेचर का क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है साल्ट कैन भी बाबू एसिडिक भी हो सकता है बेसिक भी हो सकता है, अगर दोनों सेम अमाउंट में है, दोनों सेम शक्ति का है सेम स्ट्रेंथ का है तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा, और जिसका ज्यादा क्वांटिटी रहेगा वो ऐसा साल्ट बनेगा, एसिड ज्यादा रहेगा तो एसिडिक साल्ट है, बेस ज्यादा रहेगा तो बेसिक साल्ट बनेगा है ना। हाँ सर यहाँ तक तो बात समझ दोनों में आ बराबर गई। रहेगा तो आई गेस फिर न्यूट्रल साल्ट बनेगा, दोनों अगर बराबर रहेगा तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा, क्या होगा न्यूट्रल साल्ट बनेगा है ना बाबू। ठीक नेक्स्ट बाबू, अब यूजेज ऑफ आगे 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 आपको पढ़ना, यूजेज ऑफ साल्ट को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो दो तीन को याद रखना आपको। एगो नाम होता है बेकिंग सोडा, एक होता है आपका बासिंग सोडा, ये दोनों बहुत फेमस है याद रखना, किसको बेकिंग सोडा कहोगे किसको बासिंग सोडा कहोगे, किसको कहते हैं बाबू राजगढ़ ने बताओ जी। सर बेकिंग सोडा जैसे केक में डाल हाँ केक सर वगैरह में बेक डालते हैं, सर बेकिंग सोडा को केक में डाल एक होता बेकिंग सोडा है सर ना, एक होता वॉशिंग धोबी, सोडा वो होता है एक जो होता कपड़ा धोने में एक होता डालते हैं। हला हला नहीं एक होता बासिंग सोडा जिसको धोबिया सोडा कहते हैं ना, तो ये सब सोडा वगैरह जो भी है ना बोला ये सब साल्ट ही है, क्या साल्ट ही है ना। तो आगे बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, यूजेज ऑफ साल्ट लिखेंगे, हला नहीं जी। सर विनेगर ओह माय पहले जब आप गॉड, वॉशिंग सोडा कह रहे थे ना मुझे बासिंग सोडा सुनाई दिया यूजेज ऑफ साल्ट, मुझे तो लगा कब से वो सोडा एक हला बासिंग नहीं। अच्छा सोडा ठीक है म्यूट कर जी, मोनू लिख रहा बोला, ये मोनू बाबू ये विक्रम वीडियो ऑन करो जी, स्वराज बाबू वीडियो पहले ऑन कीजिए, तो वॉशिंग सोडा लिख रहा सुनाई मोनू दिया कि नहीं लिख रहा जी, हल्ला तो वॉशिंग होता है बासिंग नहीं जी। खाने यस वाला साल्ट का नाम क्या याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड है, जो खाने वाला साल्ट है बोला उसको क्लोराइड सोडियम क्लोराइड कहते हैं, याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड। को चुप रहे ये कौन हो गया, टेबल साल्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड कौन हो गया, टेबल साल्ट हो गया। टेस्ट सर हम सॉल्ट खाते क्यों हैं को इनहेंस करने के लिए, नहीं खाइए कोई दिक्कत की बात नहीं बोला, थोड़ा सा आयोडीन वगैरह आपको बैलेंस मात्रा मिले वो है ना, तो इसीलिए सर मुझे पता है सर अगर कोई पिज्जा में टेबल सॉल्ट डाल दिया तो अच्छा लगेगा पिज्जा वो मम्मी से पूछे बाबू। सर आपको खाना बनाना नहीं आता क्या नहीं बोले सर, तो सर अब तो आपकी वाइफ भी आ गई है तो आप पढ़ाई मजे से खाना बना लो पे सर। ध्यान दो, फालतू का बात नहीं जी। बहस वाला एक बातें रखिए ना सर बातें वाली सर टेबल सोडियम सॉल्ट खाने क्लोराइड से इज हम लोग यूज्ड की इन किडनी इन खराब फूड वाटर टू होती इनहेंस, हला नहीं, टू इनहेंस टेस्ट। सर आप इडेल्स की जगह इधर से ली मतलब बाबू टेस्ट को बढ़ाने का काम करता है। हाँ एनहांस्ड टेस्ट सर गोइटर ग्लैंड के लिए भी तो होता है थायराइड ग्लैंड समझ सॉरी में आ रहा है तेज, यस सर आ रहे हैं हाँ बोले पीटीजी हम लोग बाबू अचार वगैरह में आप लोग मम्मी से देखिएगा, नेम्बर लेमन का अचार बनाते हो ना तो मम्मी उसमें साल्ट डालती है, पूछेगा कि साल्ट क्यों डालती हो, अचार्स वगैरह जो पिकल्स वगैरह होते हैं उसमें बाबू साल्ट डाला जाता है, क्यों डाला जाता है मम्मी से पूछिएगा है ना। इट इज सर ऑल्सो यूज रिजर्वेशन बाबू, है जो कभी सड़ने नहीं देगा हाँ इट रिफ्रिजरेटिव इज ऑल्सो यूज एज बाबू, यूज सर एज एक ऐसा बाबू, प्रिजर्वेशन रिजर्वेशन है जो सड़ने नहीं देगा प्रिजर्वेशन सड़ने नहीं दूंगा बाबू और प्रिजर्विंग, ये मुन्नू समझ में आ रहा भोला। सर अगर जैसा है
सर हम लोग को सेव करना होगा चावल, तो सर उसमें वो नमक डाल देंगे। सर फालतू का बकवास कर बहुत करता है वो उस शैतान। शुगर अरे वेजिटेबल ऑयल सर ये सर सब फिर सब तो बोला करते हैं फूड। प्रिजर्वेशन। सर सर सबसे अच्छा बॉइलिंग। पिकल्स क्या होता है? अचार। अचार। अचार अचार होता है। किया किया होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट भी मेरा क्या है, साल्ट है। बता बाबू मनु, सोडियम बाई कार्बोनेट को हम लोग किस नाम से पुकारते बाबू मनु? बोला नहीं पता फिर सब कर रहे हो जी? अरे सर। कभी भी काल मंडरा सकता हूँ। सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा, NaSCO3 होता। इज कॉमनली नोन एनएससी एज, इज कॉमनली नोन एज सर सोडियम के बाद ये क्या है लिखा? बाई बाई सर कार्बोनेट है, नोन उसका एज मतलब बाबू बता रहे, नाम है, नाम है सर बेकिंग पिकल्स। सोडा। सोडियम बाई कार्बोनेट इज कॉमनली नोन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडा कहते हैं सर याद रखिएगा। तो सोडा दो गो होता है, एगो धोबिया सोडा होता है, एगो खाए वाला सोडा होता है। बेकिंग सोडा खाने वाला है। हाँ और सोडा जी उसी सोडा को तो धोबिया में भी डालते हैं। सर एक और सोडा होता है सर। हाँ बाबू, ये बाबू क्या हुआ जी, बस बोलो ना जी। ब्रैकेट में NaHC के बाद क्या लिखे हैं? NaHCO3। सर पिकल्स मतलब क्या होता? अचार। अचार होता है बाबू, अचार नहीं, अचार जानता जी मनु। यस सर जो माधवी भाभी बनाती। अचार पापड़। हम लोग सोडा बाबू केक्स वगैरह में है ना बाबू, ब्रेड वगैरह ओके बनाने पफिन। में यूज करते हैं। ठीक पफ तो ये जो सोडा यूज करते हैं, खाए वाला पफिन। सोडा, खाए वाला सोडा का नाम क्या है, पफिन सोडियम बाई सर कार्बोनेट। सोडा का यूज क्या है? अरे ठीक मेरे शैतान, 4 बार जखनी से बोले तनु को ना जगह पर, इतना हाथ पर तोड़ेंगे ना, मैं म्यूट कर लेती, बक बकते रहती है। सर मैंने नहीं कहा काव्या ने। सर काव्या बोलिए कहेगा बेकिंग सोडा को केमिकल नेम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा मतलब खाई वाला सोडा होता है, जो आप लोग के मम्मी छोला भटूरा बनाती है तो उसमें देखते हो सोडा डालती है, वही सोडा है और कुछ नहीं है। क्या उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, याद रखिएगा। क्योंकि होता है जो सर उसको बेक कर देता है? बाबू से ये हीट होता है, बोला था कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, NaCO3 हीट होगा, गर्म होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड छोला भटूरा में, बोला भटूरा में भर जाता है तो वो फूल जाता है, गैस उसमें भर जाता है तो वही आपको फूल जाता है ना, और सर कुछ नहीं आपको होता इतना है। अच्छा खाना बनाता आता है। हाँ भेजिए। नेक्स्ट बोला आगे क्या है, सोडियम कार्बोनेट याद रखिएगा। गुड इवनिंग सर। अभी नहीं हुआ, गुड इवनिंग जी, कितना टाइम हो गया जी सब, गुड इवनिंग जी। सर अनुभव कुछ ज्यादा ही पहले आ गया। हल्ला नहीं, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है सर, Na2CO3। सर इन सब में एनए एनए क्योंकि सोडियम है, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na होता है, सोडियम क्या है, Na, इसीलिए Na है। क्या सर। है फालतू का बोलते रहता रुद्र शैतान, नहीं तो एक बीच में आपका कर देंगे खाली। सोडियम कार्बोनेट कितना होता है, Na2CO3 होता है बाबू। सर हाँ जी हाँ सर बाइकार्बोनेट एनए के बाद HCO3 इसका फॉर्मूला है बाइकार्बोनेट का। सर बाइकार्बोनेट का SCO3 है, सोडियम Na हो गया। आप ये क्या लिखे? इज को क्या बता लिखे रहे इज सर? कॉमनली नोन एज, सर कोमली ऐसे लिखते वो लग रहा है सी है के बाद।
सोडा कॉमनली नोन एज बाबू वॉशिंग सोडा। वाशिंग वाशिंग सोडा, इसको क्या यार कहेंगे याद वॉशिंग रखिएगा। वॉशिंग होता है सर, वॉशिंग है वॉशिंग पागल जैसा करते हो तनु। वॉश। डिटर्जेंट हाँ बाबू ये जी यूज धोबिया सोडा, इसी को सर्फ हाँ एक्सेल इसी को हम लोग हला नहीं जी, इसी को हम लोग धोबिया सोडा कहते हैं मोनू भोला, है ना। धोबी सब यूज करता, धोबी कपड़ा धोना जाएगा तो यही सोडा डाल डाल के साफ करेगा। सर टू क्लीन क्लीन का मतलब क्लोथ्स। धोने वाला सोना, सिर्फ सोडा, सिर्फ धोने वाला सोडा, हाँ बाबू कपड़े धोने वाला सर सिर्फ कपड़ा धोता है या बच्चों को भी धो देता है? बच्चों को नेक्स्ट तो सर बोला, ये सब सारा का सारा साल्ट है याद रखना है। एक होता है बाबू पोटेशियम बाबू नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट एक साथ है। पोटेशियम क्या बोला मनु? पोटेशियम नाइट्रेट एक साथ सर। नंबर से या स्पेस दे दो, पोटेशियम अलग नाइट्रेट अलग, सर KNO3। इसको हम लोग कहते हैं साल्ट पीटर कहते हैं, जो पटाखा वगैरह में आप लोग यूज करते हैं, बंदूक के गन बंदूक में देखो तो पाउडर आता है ना, तो यही चीज होता है यूज। किसी को AK-47 होता था बंद सर काले फालतू बस करता, जो बुलेट वगैरह होते हैं भोला तो उसमें क्या पाउडर डाला जाता है, तो यही आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है ना, उस KNO3। पाउडर को हिंदी में क्या कहते हैं? बारूद बारूदी कहते हैं, सोडा। हाँ इज कॉमनली नोन एज साल्ट पीटर। सर टाइम हो कल गया। पीरियोडिक टेबल्स हूँ। वो हाँ कॉमनली बोला नोन नहीं के बाद नोन एज नीन एज अच्छा ठीक है लिखिए कॉमनली नोन एज। टाइम हो गया अच्छा लिखो ना तो एक लाइन बच रहा है, टाइम हो गया। सर। लेकिन अभी समझाओगे समझाइए ना राजे, कॉमनली नोन एज बाबू साल्ट पीटर। सर? लगता है ये लोग सर कुछ नहीं कर रहे। सर आज कौन सा डे और है? ना हाँ बाबू हाँ का है फॉर मेकिंग गन सर, पाउडर। बैच सर ये तो बैच ही एफ सर का बैच ही है। का है। अच्छा बैच ही का, एफ का नहीं बोले, बैच ही का। सर वाला आप एक फर्क गलत पर हवा के होते कर पता चलना सबका गलत है। गन प्रिजर्वेशन पाउडर बाबू पटाखा वाला गन क्रैकर्स, या फिर रियल गन ये रियल है या क्रैकर्स सर? वगैरह। साइड प्लीज सर, क्रैकर्स में कम डलता है है ना भोला मेरा, सर। या हल्का नीचे बाबू फर्टिलाइजर कीजिए सर, वगैरह में अभी भी हम लोग इसको यूज करते हैं। और कितना लिखो है? जब तक उनकी सांस ही तो ये चलेगी सब या कीबोर्ड। फर्टिलाइजर्स है। वाह वाह सर, और 5 मिनट है, लिखवा दीजिए सर। ठीक तो ये सब क्या हो गया, साल्ट का यूज हो सर गया। ये सब क्या वो बोला, साल्ट का यूज हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इंडिकेटर पढ़ेंगे। एसिड बेस को कैसे पहचानोगे, तो उसके लिए इंडिकेटर होता है, तो अब हम लोग इंडिकेटर सीखेंगे, फिर आपका चैप्टर फिनिश होगा। एसिड बेस की सर पहचान कर, आप सर यानी कि सर आप बोलते हैं कि धुंध देंगे, मतलब कि सर आप वो सोडियम कार्बोनेट यूज करने का बंद बाय सर। कर ठीक है बाबू।